गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल कोंकणा हियर। सो आज सुबह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया बिकॉज बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप निकला हुआ था। अभी शाम को मैं निकली हूँ क्योंकि वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। एंड ऑल्सो बिकॉज माई नीस एंड नेफ्यू, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हम लोग दिन भर घर पे ही थे, कहीं निकले नहीं। एंड अभी मैं निकली हूँ जस्ट टेकिंग अ वॉक, पास में एक मॉल है वहाँ तक जा रही हूँ मैं अपने डैड के साथ वॉक करके, जस्ट टू ग्रैब सम डिनर बेसिकली, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट देयर। सो अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, इट्स क्वाइट प्लेजेंट राइट नाउ। इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं जितना कि दिन में लग रहा था। सो या लेट्स सी, इट्स अ नाइस एरिया, नाइस ग्रीनरी ऑल अराउंड इफ यू कैन सी बिहाइंड मी। सो दिस इज बेसिकली वेयर माई सिस्टर स्टेज। सो या लेट्स वॉक एंड एक्सप्लोर दिस एरिया अ लिटल। ওটা আমি আগের ব্লগেই বলেছি, আবার বলবি তো, হ্যালো ফ্রম সিঙ্গাপুর। Well, these are called HDBs, housing development. এখন তুমি কথা বলতে পারো, এইটার আবার মিউজিক চলে আসবে, আমি জাস্ট রেকর্ড করছি। পার্কে ওপেন জিম যেরম হয় ওরকম না, এরকম করলেই পারে সব জায়গাতে। কোন দিকে যেতে হবে? ফাইটার প্লেন দেখাই যায় না। সো হম আয়ে অভি স্টার ভিস্তা মল, বিলকুল পাস মেই হ্যাঁ যা পে মেরি সিস্টার রহতি হ্যাঁ। ইটস নট আ ভেরি বিগ মল এজ সচ, কই আপকো ইয়াহাঁ পে বহুত বড়ে ব্র্যান্ডস বগেরা নেহি মিলেঙ্গে, পর ইটস মোস্টলি আ প্লেস যা পে বহুত সারে রেস্টোরাঁস এন্ড ক্যাফেস বগেরা হ্যাঁ। সো একাধ শপস মানে দেখা হ্যাঁ ভেয়ার আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ভিজিট, वो देखते हैं। एंड उसके बाद लेट्स सी, यहाँ से हम डिनर पैक करके लेके जाएंगे घर। सो कम अलोंग। Just entered a Japanese food mart, so you get I think lots of Japanese stuff. This is one of my favorite chocolates, Ritter Sport. It's an amazing chocolate and iske bahut sare flavors aate hain, so I think yahan se I'm going to pick up some. This is hazelnut, dark chocolate hazelnut, one of my favorites again. Bahut acha chocolate hai. So you can definitely try this. Apart from that, you have your regular supplies, cleaning supplies.
just do a quick walk through. These bowls look really cute. अभी हम आए हैं एक बड़े से सुपरमार्केट में. मैं जब भी इंडिया के बाहर जाती हूँ मैं उनके सुपरमार्केट ज़रूर विज़िट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है एंड जो ब्रांड्स आपको इंडिया में मिलता है उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते लेकिन बाहर मिलता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द कोक पैकेट. सो काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है ये. ये मॉल के अंदर ही है. Let me just show you the fruits and the vegetables here. ये देखने में ये इतने fresh लगते हैं कि आपको मन करता है कि you know just pick up and eat. So, मैं जब भी इंडिया के बाहर जाती हूँ मैं उस कंट्री में सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर ज़रूर जाती हूँ, बिकॉज इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है वहाँ पे. प्लस बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं लेकिन उन ब्रांड्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है. सो मुझे बड़ा मज़ा आता है यू नो पूरे ग्रोसरी स्टोर का चक्कर लगाने में. एंड फूड प्रोडक्ट्स हालाँकि यू नो इतने दिन तक लास्ट नहीं करते हैं, बट जितने दिन भी चल जाए बस अच्छा लगता है. सो यहाँ से आई विल सी. मैं तो फिलहाल जस्ट टेकिंग अ लुक अराउंड. लाइक वो यू दिस फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़. आई थिंक मैंने लर्पाक बटर भी कहीं देखा. या लर्पाक बटर इज़ हियर. अमेजिंग ब्रांड्स, अमेजिंग टेस्ट. सो लेट्स सी, आई विल प्रोबब्ली पिक अप सम स्टफ फ्रॉम हियर.
मॉल से हम निकल आए हैं. वी जस्ट हैड लाइक अ प्लेट ऑफ सुशी वहाँ पे, टूना सुशी एंड सामन रोल्स. सो अभी यहाँ पे पास में एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप्स है, जैसे कि सिंगापुर में हॉकर सेंटर कहते हैं, तो उस टाइप का एक जगह है. यहाँ पीछे बैठने की भी जगह है बाहर, एंड अंदर भी बैठने की जगह है. सो यहाँ से हमने डिनर पैक करा लिया है. सो आई जस्ट शो यू प्लेस लुक्स. तो मैंने ये सामने वाले शॉप से राइस एंड चिकन पैक कराया है, एंड डैड ने एक वॉन्टन सूप पैक कराया है. सो दैट्स व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर. हम दोनों तो यही खा रहे हैं, बाकी सब घर का ही खाना खाने वाले हैं. सो हियर इज़ माय डैड वेटिंग फॉर मी. सो छोटा सा ही जगह है, नॉट टू मैनी ऑप्शंस, बट इट्स वर्थ गिविंग इट अ ट्राई अगर आपको लोकल फूड ट्राई करना है. यहाँ पे मोस्टली आपको सिंगापुरियन एंड कोरियन मिक्स टाइप खाना मिल जाएगा. सो वी आर हेडेड होम नाउ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक घर जाके वी हैव डिनर एंड देन जस्ट रेस्ट फॉर द नाइट, एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल सी यू विद अ फ्रेश न्यू डे एंड अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. ओके, सी यू. And this is in continuation with the Singapore series. So basically why I'm here is because it's my nephew's second birthday. This is my niece right here. So iska birthday hai kal, which we are celebrating today. So isiliye mera main purpose tha yahan aane ka. So usi ke birthday ke liye main yahan pe cake bana rahi hu, and subah se obviously bahut sari taiyari chal rahi thi because guests aa rahe hain sham ko, inke friends aa rahe hain, so we are having a birthday party at home. सो इसी वजह से मैं सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट अभी मैंने फाइनली सोचा दैट आई विल जस्ट शो यू गाइज अ ग्लिम्स ऑफ व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग. सो यहाँ पे जस्ट मैं इसका बर्थडे केक अभी फिनिश कर रही हूँ. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आई डोंट हैव द यू नो एग्जैक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वो सब कुछ है नहीं, बट जो भी अवेलेबल था आई हैव जस्ट ट्राइड टू डू माई बेस्ट with that. And अभी just final decoration हो रहा है केक का. पूरा केक तो वैसे मैंने ready कर लिया है, अभी just final decoration चल रहा है. So let's see how it goes, and बाद में I will obviously I'll not come live. मुझे live बोलने की आदत हो गई है because मैं Facebook live बहुत करती हूँ, but I will definitely record some moments of the party when the kids arrive, when the party is in full swing. Yes, this is your cake and your chocolates. So I will show you guys a glimpse of all the fun that we are going to have, cake cutting, etc. I'll make you guys a part of it, so that you all can also be a part of our small little party, right? Okay. Yes, your small little kids, that's why. No, what will I put on the cake if you eat this? Nothing. No. Let me decorate the cake, okay? And then you can eat it when your friends come. Okay? So, yeah. So, I'll just finish decorating the cake. Abhi guests aane wale hain, not much time left. And I'll see you guys soon. We're off for now. आप लोग को मेरी आवाज़
आवाज आ रही है कि नहीं, बट यहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं एंड अभी गेम्स खेल रहे हैं। यहाँ का टाइम है, एवरीबॉडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन। Here's the birthday boy. Swami, say hi. Swamu, say hi. Hi, children. Hi. Hi. That's the birthday boy. Yes. Okay, so it's pinata time now. Adi. Adi, go. Adi. Okay, now Swami. Okay, now Swami. Swami, hit hard. सो फाइनली हमारी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, गेस्ट्स घर जा चुके हैं, बच्चों ने गिफ्ट्स ओपन कर दिया है एंड अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है बिकॉज सुबह से हम तैयारी कर रहे थे। मुझे भी केक बनाना था, प्लस यहाँ का वेदर बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है तो सब लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं एंड आज तो बस शाम को घर पे पार्टी थी तो ऑब्वियसली कहीं गए नहीं हैं। सो बेसिकली दो दिन से मैं मोस्टली घर पे ही थी, ऑल्सो बिकॉज़ मैं सिंगापुर पहले आ चुकी हूँ, सो आई हैव बीन टू द सिटी, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तो इतना वो फर्स्ट टाइम विजिटर जैसा एंथू नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, ये देखना है, वो देखना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उतना ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी ऑब्वियसली देर आर प्लेसेस दैट आई वांट टू गो बिकॉज काफ़ी सालों पहले मैं आई थी सिंगापुर, आई थिंक कुछ 8-9 साल हो गए होंगे मुझे लास्ट विजिट किए हुए। बट या प्रिटी मच जो टूरिस्टी प्लेसेस हैं वो सारे अभी भी वैसे ही हैं एंड वही हैं। सो मैं कल से सिटी एक्सप्लोर करना शुरू करूँगी। सो लेट्स सी मैं क्या क्या कवर कर सकती हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगी एंड आई एम श्योर मेरे व्लॉग में आप लोगों को कुछ अलग सा, कुछ नया सा देखने को मिलेगा जो टिपिकल टूरिस्टी व्लॉग्स में आपको नहीं दिखता है। सो सर्टन शॉप्स एंड एरियाज दैट आई विल विजिट ऑब्वियसली जहाँ पे मैं जाके फोटोज़ लूँगी एंड व्लॉगिंग करूँगी एंड देन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी जहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो
एंड यू कैन कम अलॉन्ग विथ मी ऑन दिस ट्रैवल जर्नी बेसिकली. सो आई थिंक आज के लिए इतना ही. आई विल ऑल्सो कॉल इट अ डे बिकॉज जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट द नाइट एंड देन कल मॉर्निंग से वापस शुरू हो जाएगा. कल से मैं बाहर जाना स्टार्ट करूँगी. सो कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी. यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. आप बस से या मेट्रो से लगभग पूरा सिटी कवर कर सकते हो. बस से एंड मेट्रो से द सिटी इज़ वेरी वेल कनेक्टेड. टैक्सी ऑफ कोर्स अवेलेबल है लाइक एनी अदर सिटी, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है. बट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही ईजी एंड स्मूथ सिस्टम है. देयर आर साइनेजेस एवरीवेयर, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी. अगर आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो इस शहर में, इस कंट्री में रादर, देयर शुडन बी अ प्रॉब्लम. बट ऑब्वियसली मैं जहाँ जाऊँगी एंड जैसे भी मैं ट्रैवल करूँगी वो सब सारे डिटेल्स मैं शेयर करती जाऊँगी आप लोगों के साथ, सो दैट इफ़ यू एवर हैव टू विजिट दिस कंट्री यू विल नो एंड माइट मेक इट अ लिटिल ईजी एंड हेल्पफुल फॉर यू. ओके, so that's it for today and I'll see you guys tomorrow in a fresh new vlog. So good night.